प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चावल का पापड़ बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। देखिए कितना क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार हुआ है। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। कम समय में, कम सामग्री में ये पापड़ बनने वाला। तो सबसे पहले हम सामग्री बताएंगे। सामग्री में हमने 1 कप चावल को बढ़िया से धुल के भिगो दिए हैं, बढ़िया से फूल चुका है। 4 से 5 घंटा तक फूलने में समय लगा है। 1/2 चम्मच जीरा ले लिए हैं, 1/2 चम्मच लाल कुटी मिर्च है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और हमने इस तरीके प्लास्टिक का ढक्कन ले लिया है और ये जाली है, प्लेट से भी बना के दिखाएंगे। और ये स्टैंड है। तो सबसे पहले हम चावल को पीस लेते हैं, थोड़ा पानी डालेंगे। ये हमने इस तरीके महीन पीस लिया है, इनको बाउल में निकाल लेते हैं। सभी चावल इस तरीके हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। चावल पीस के तैयार हो गया है। जीरा और लाल तीखी मिर्च डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब अच्छे से मिला देते हैं। इस तरीके हमने घोल बना लिया है, इस तरीके घोल होना चाहिए। ये हमने लाइन खिंचाया, आपस में नहीं टच हो रहा है, तो बैटर रेडी हो गया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में स्टैंड रख दिए, पानी डालेंगे, जाली रख देते हैं। पानी काफी गर्म हो चुका है, थोड़ा ऑयल ढक्कन में लगाएंगे। अब चावल का घोल डालेंगे ढक्कन में, चारों तरफ फैला देते हैं, जाली के ऊपर रख देंगे ढक्कन को। ये देखिए कितना आसान है बनाना। ऑयल ढक्कन में सिर्फ हम एक बार लगाएंगे, फिर अपने आप निकलने लगते हैं पापड़। 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 2 मिनट हो चुके, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। सभी ढक्कन निकाल लेते हैं। अब हम प्लेट में बनाएंगे, प्लेट में ऑयल लगा देते हैं। अब इसमें चावल का घोल डालेंगे प्लेट में, इनको भी चारों तरफ इस तरीके फैला देते हैं। जाली को हटाकर स्टैंड पर रख देते हैं प्लेट को। इसको भी ढक देते हैं। आइए इनको धूप में दिखा देते हैं। आप धूप में दिखाइए या पंखे के नीचे हवा लगा दीजिए। धूप से पापड़ खराब भी नहीं होता और जल्दी सूख भी जाता है। ये हम पॉलीथीन बिछाकर यही में पापड़ फैला देते हैं। ये देखिए कितना आसानी से निकल आया है। ये देखिए कितना बढ़िया पापड़ बना हुआ है। आइए प्लेट वाला दिखाते हैं पापड़। तो ढक्कन में जल्दी जल्दी बन जाता है और पानी जब गर्म हो जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी बनने लगता है। 1 मिनट तक समय लगता है इसको पकने में। और 1 कप चावल में काफी ढेर सारा पापड़ बनके तैयार हो जाता है। जैसा आप छोटा बड़ा साइज बनाएंगे उस हिसाब से पापड़ बनेंगे। तो आइए इन्हें भी निकाल लेते हैं चाकू की सहायता से। ये देखिए ये भी निकल गया है। ढक्कन में ज्यादा बढ़िया बनता है और प्लेट में थोड़ा निकालने में दिक्कत समझ में आती है। तो ये देखिए हमने सभी पापड़ चावल के बना के तैयार कर लिए हैं। अब इनको 2 दिन तक बढ़िया से धूप में दिखाएंगे, फिर इसे छानेंगे। 2 दिन बाद इस तरीके पापड़ हो चुका है, बढ़िया से सूख चुका है। ये देखिए नजदीक से दिखा रहे हैं, सूखा हुआ है।
तो इस रेसिपी को आप जरूर से जरूर बनाइए। कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स बताइए, कोई गलतियाँ हो माफ़ करिए। तो आइए इन्हें छानना शुरू करते हैं। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया पापड़ छन रहा है। अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो और अच्छे पापड़ फूलेंगे। हम यहाँ पैन टाइप कढ़ाई है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं फूल रहे हैं और ऑयल भी कम है, तो ज़्यादा ऑयल में छानेंगे और कढ़ाई में छानेंगे तो बढ़िया से बनेंगे पापड़, तब भी पर बढ़िया बन रहे हैं, ये देखिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसी तरीके छान लेते हैं जितना हमें खाने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये हमने पापड़ छान लिया है, कितना क्रंची क्रिस्पी पापड़ बनके तैयार हुआ है ये देखिए। तो इस होली पर आप इस तरीके चावल का पापड़ जरूर से जरूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा बना है चावल का पापड़।